हेलो फ्रेंड, दोस्तों स्वागत है आपका हमारे शिल्पा आपके फेवरेट सीरियल गुम है किसी के प्यार में। सही से माफी मांगने के लिए तड़प रहा है विराट। तो वहीं सीरत को होश आते ही विराट देख रहा होता है उसे बाहर से ही, लेकिन पुलकित बार बार रिक्वेस्ट करता है कि तुमसे विराट मिलना चाहता है, लेकिन सही इतना नाराज हो चुकी है और उस पर जिस तरह से इल्ज़ाम लगाया है विराट ने, वो उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती और उसे अब नफरत हो गई है और वो विराट से मिलने के लिए साफ मना कर देती है। लेकिन विराट उसको मिलने के लिए तड़प रहा होता है और वो पहुँच जाता है उसके पास में, लेकिन विराट वहाँ पर सही उसको बहुत ही बुरी तरह से डांटती है और दोनों में काफ़ी झगड़ा होता है और पुलकित कह देता है कि उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है विराट, तुम अभी इतना सब कुछ मत करो, जब ये बिल्कुल ठीक हो जाए तब तुम इसके बारे में बात करना, लेकिन अभी इस मैटर में बात करने की कोई भी ज़रूरत नहीं। लेकिन सही साफ कह देती है कि विराट सर, अब हमारे बीच में कुछ नहीं बचा और अब वैसे भी मुझे जाना ही था आपकी ज़िंदगी में, तो अब मैं आपकी ज़िंदगी में वापस कभी नहीं आना चाहती। अगर आपको लगता है कि मेरा किसी से अफेयर चलता है और आप इतनी घटिया इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगा सकते हैं, तो अच्छा है कि अब हम दोनों साथ ना रहें और मुझे आपकी कोई ज़रूरत नहीं, आपको गार्डियंस की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अब मैं 18 साल की और मैं एडल्ट हूँ और मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आने वाले एपिसोड में विराट को बेचारे को बुरी तरह से गुस्सा होगी सही, अब विराट ने गलती ही इस बार ऐसी कर दी है पत्रलेखा के जाल में फंस कर की, और वो माफी के लायक भी नहीं है और सही उससे काफी ज्यादा नाराज हो जाती है। लेकिन विराट उसके सामने गिड़गिड़ाता है, अपने प्यार की भीख मांगता है और विराट कह देता है कि क्योंकि मुझे इसलिए, वो विराट सही कहती है कि आप मेरे लगते ही क्या हैं जो आप मेरे पर इतना शक करते हैं, कि मेरी लाइफ में कोई और नहीं आ सकता, वैसे भी ये शादी तो बस एक एग्रीमेंट वाली शादी है, एक डील है। लेकिन यहाँ पर विराट साफ कह देगा कि ये तुम्हारे लिए डील होगी लेकिन अब मेरे लिए बिल्कुल डील नहीं है, वो जो भी मैंने कहा था वो सब भूल जाओ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और विराट सही को मनाने के लिए और उसको इस तरह से कहने के लिए अब वापस अपने दिल की बात कह ही देगा। तो दोस्तों इस एक्सीडेंट के बाद में फाइनली विराट अपने दिल की बात सही से कहेगा और यहाँ पर सही को अब इस बात पर देखना इंटरेस्टिंग होने वाला कि कैसे सही वापस विराट सही को घर लेकर आता है और पत्रलेखा की जो चाल है वो पूरी उल्टी पड़ जाएगी, क्योंकि विराट उसे सही को घर तो मनाकर लेकर आएगा ही और एक नई शुरुआत होगी और सही का गुस्सा तब शांत होगा जब सही उसे अपने दिल की बात, विराट अपने दिल की बात कह देगा और कह देगा कि इसीलिए मुझे तकलीफ हो रही थी कि हसन के तुम्हारे साथ बार बार आ रहा था और मैं तुम्हारे साथ डांस करने के लिए भी मैं कितना